हेलो नोट्स ऑफ गाइस, के सबसे पहले वेलकम बैक टू द गेम टू सीरीज गाइस। आज हम लोग वापस से खेलने वाले हैं माइनक्राफ्ट। माइनक्राफ्ट के अंदर वापस से आ चुके हैं उज्जवल भाई के वर्ल्ड के अंदर। सो गाइस, आज की ये वाली वीडियो के अंदर हम लोग क्या करने वाले थे वो आप लोगों को पता ही होगा, क्योंकि लास्ट एपिसोड के अंदर मैंने बताया था। लास्ट एपिसोड के अंदर हम लोग जो है वो यहाँ तक आए थे और हम लोगों को यहाँ से लेकर जाना है एक, नहीं लास्ट एपिसोड में मैंने बताया नहीं था बट अब बता रहा हूँ कि यहाँ से हम लोगों को पोलर बियर को लेकर जाना है। यस, यही है हमारा टास्क। तो आ जाओ चलते हैं फटाफट से और लेते हैं पोलर बियर को। ओके गाइस, तो पोलर बियर हमारे सामने ही है बट इसको ले जाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा, क्योंकि अगर मैंने बाई चांस इसको अगर हिट कर दिया तो भैया ये आयरन गोलम का बाप है, ये जो मारेगा ना भाई पता नहीं मैं कहाँ जाके गिरूँगा। तो इसको जो है वो बहुत ही ज़्यादा प्यार से ले जाना पड़ेगा, क्योंकि जितना ये जो है वो शांत बच्चा दिख रहा है उतना ही ये ख़तरनाक है। और ये बोर्ड के ऊपर क्यों नहीं बैठ रहा भैया? अबे यार, इजीली बोर्ड के ऊपर तो हर कोई बैठ जाता है, हर कोई एनिमल बैठ जाता है, बट पता नहीं ये क्यों नहीं बैठ रहा। आई डोंट नो, बट इसको किसी भी तरीके से हम लोग बोर्ड पर बिठा के रहेंगे, अदरवाइज़ हम लोगों को इसको जो है वो लीव्स से खींचते हुए लेकर जाना पड़ेगा। देखो मैं लीव्स पहले से ही लेकर आया हूँ ताकि भैया कोई दिक्कत ना आए, मुझे पता ही था कि क्या करने जा रहे हैं हम लोग। तो ठीक है, आ जाओ इसको जो है वो पहले ना बोर्ड पे बिठाने की ट्राई करते हैं। अगर ये नहीं बैठता है तो फिर यही करना पड़ेगा। वैसे अपनी बोर्ड जो है वो फरारी से भी तेज भागेगी अगर इस बर्फ़ पे चलाई जाए तो, बट ये बैठ ही नहीं रहा, क्या करें अपन। आ जाओ इसको खींचते हुए लेकर चलते हैं, मुझे नहीं लगता ये बैठने वाला है। तो ठीक है, ओके गाइस, तो मैं खींचता हुआ जो है वो इसको जो है वो बाहर निकाल रहा हूँ अभी के लिए। बट ये पता नहीं यार ये कितना खाता है, मोटा सांड हो गया है भैया, कहीं से भी नहीं निकल रहा है। ये देखो यहाँ पे दो ब्लॉक की जगह है, यहाँ पे आसानी से कोई भी निकल सकता है बट ये निकल ही नहीं रहा। ठीक है, तो इसको निकालना मुश्किल है बट हम लोग किसी भी तरीके से ले जाएंगे। ओके गाइस, फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं। पता ही रास्ते में क्या हुआ था, रास्ते में मैंने जो है इसको जो वो हल्का सा टच कर दिया और इसने मेरा केम ओवर कर दिया, वो भी कहाँ पे, पिलेजर, जहाँ पे पिलेजर का टावर होता है ना वहाँ पे मार दिया था। तो फिर मुझे जो है वो 2000 ब्लॉक दूर वापस से जाना पड़ा और फिर वापस से मेरा सारा का सामान लिया, सारा का सारा, और मैं इसको लेकर आ चुका हूँ। अब गेट बंद करते हैं, ये ना हो कि कहीं ये वापस से भाग जाए, क्योंकि ये बहुत तेज़ भागता है भाई। एक बार जो है वो मेरे हाथ से लीव जो है वो टूट गई तो भैया पता नहीं ये कहाँ भाग गया। मैं इतना ढूँढ रहा, इतना ढूंढा, उसके बाद पता चला कहीं दूर चला गया है ये भैया। बहुत ज़्यादा तेज है ये, वैसे ही आयरन क्लेम इतने ज़्यादा यहाँ पे क्यों आ रखे हैं? अबे इनको बाहर भैया, यार ये चिमकांडी पीछे रहे, इसको बाहर ले जाना था, ये यहाँ पे क्या कर रहे चिमकांडी लोग। आ जाओ तो इसको जो है वो लेकर चलते हैं अपन घर। घर के अंदर क्यों ले जा रहा हूँ मैं ये, तो अगर सीढ़ियों से गिर गया तो मर जाएगा। अबे तेरी भैंस की, मैं दरवाज़ा बंद करने जा रहा था। लो, ये कुछ कह भी नहीं रहा भैया, मैं मार क्यों नहीं रहा, इसको समझ में आ गया है क्या? अभी घर आ चुके हैं अपन तो अभी मारेगा तो सीन हो जाएगा, क्या चक्कर क्या है, कुछ तो गड़बड़ है दया। नहीं, ये देखो मेरे पास खड़ा है बट कुछ नहीं कह रहा ये, पता नहीं क्यों। आ जाए उसको, अब तेरी भैंस की बावड़ी पूंछ, अब ये तो गर्म हो गया। अब तेरी भैंस की, इसको भाई पहले कुछ नहीं कह रहा था, भागो भैया मार देगा तो भी वापस से मैं कसो दूर चला जाऊंगा। एक सेकंड रुक जाओ, वापस से यहाँ पे पहले रिस्पॉन पॉइंट सेट करो, कहीं इसने मार दिया तो सीन हो जाएगा। अबे चिमकांडी क्या है भाई, एक ही तलवार में तेरा काम तमाम कर दूंगा अभी। अबे भैंस की, मैंने दरवाज़ा खोल दिया है इसको, और ये मुझे मारने वाला है बहुत तेज़ी वाला। ये देख लो इसकी, ये एक बार मारता है कितना डैमेज ले लेता है ये देखो। अभी हमारे पास एक सिंपल सा जो है फंडा है, अभी यहाँ पे तो ये नहीं आएगा क्योंकि ये मोटा हो चुका है, मतलब ये मोटा है और ये फैंस के बीच में नहीं आएगा। तो ठीक है, बाहर से ये देख रहे हो ये कितना ख़तरनाक है, ये देखो मतलब लीव्स तोड़ देगा अभी। आ जाओ यहाँ से भाई, दूसरे रास्ते से घर के ऊपर चलते भाई, इसने तो अपना जीना आराम कर रखा है यार। भैया ये कौन लेकर आता है यार, ये मतलब समझ नहीं आ रहा मुझे तो। ठीक है, आ जाओ
हम लोग जो है वो हमारे पास वैसे तो बहुत सारे रास्ते हैं अपने कार्सल के अंदर जाने की, वैसे तो यही है, उसके अलावा और कुछ नहीं। ठीक है, जब वैसे भी आने वाले समय में ये कार्सल कुछ ऐसा हो जाएगा कि आप लोग ऐसा कहो कि क्या था, अब क्या बन चुका है। ठीक है, जो तो पहले तो ना यहाँ पे रिस्पॉन्ड कोई सेट करते हैं और इसके हाथों मर जाते हैं, क्योंकि इसका हाथों मरना ही अब बेहतर है, और यहीं पर ही वापस से स्पॉन हो जाएंगे, क्योंकि भैया ये अब जीने तो वैसे देने वाला नहीं है, तो मरना ही बेहतर है, क्योंकि यहाँ पे ही है ये, तो इसको आगे अभी ले जाने, देखो हम लोग इसको मार भी नहीं सकते, तो ये फंडा है सिंपल सा। आज अब फटाक से इसको जो है वो पहनते हैं, ये आर्मर पहनते हैं, और इसके अलावा यहाँ पे तो वो तलवार वगैरह ले लेते हैं। अभी अभी यहाँ पे ना हम लोग पहले तो ना ये लगाओ, और ठीक है अभी क्या करना है हम लोग जो है वो इसको रास्ते में तो भैया यहाँ पे रख नहीं सकते, अगर ये बाई चांस अगर हम लोगों ने वापस से इसको हिट कर दिया तो सीन हो जाएगा, अगर हम लोगों ने थोड़ा सा भी टच कर दिया तो हम लोगों को इसको जो है वो कहीं और जाके लग रखना पड़ेगा। बट कहाँ पे, देखो ये भाग गया, देख रहा मैंने बोला था ना, ये देखो कहाँ पहुँच गया, ये इतनी जल्दी कहाँ पहुँच गया। ये मोटा तो है बट इसके अंदर मतलब चलने की शक्ति बहुत ज़्यादा तेज़ी में है। आ जाओ, इसको यहाँ पे भी नहीं रख सकता क्योंकि ये एक ब्लॉक की जगह है, इसके अंदर नहीं घुस सकता ये, इसको जो है वो दो ब्लॉक की जो है वो जगह चाहिए होती है, और हम लोग जो है वो इसको कहीं बाहर ही रख कर आते हैं। आ जाओ, ओके ठीक। अब आ चिमकांडी भेड़ निकल इधर से, आ जाओ यहाँ से ना, हम लोग यहाँ पे रख देते हैं इसको। नहीं, अगर इसको यहाँ पे रखा तो अगर ज़ोंबी से इसका पंगा हो गया तो सीन हो जाएगा। नहीं भैया, यहाँ पे भी नहीं, इसको वापस से बंद करो, ये डोर को वापस से बंद करो। एक काम करते हैं, इसको यहीं पर ही रहने देते। देखो अच्छे बच्चे की तरह रहना चिमकांडी, अगर अगर इसने कुछ उल्टा सीधा किया और आयरन गोलम से पंगा लिया तो समझ लो यहाँ पे युद्ध होने वाला है। तो अभी हम लोग अपनी पूरी की पूरी इन्वेंट्री खाली करते हैं, और आगे का काम क्या है वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। थोड़ा सा रुक जाइए, सो कराते हैं क्योंकि रात बहुत हो चुकी है। ओके गाइस, तो यहाँ पे हम लोगों को सिंपल से क्या करना है, हम लोगों को जो है यहाँ पे पहले तो एक ब्लॉक के बाहर की तरफ खींचना पड़ेगा, क्योंकि एक ब्लॉक बाहर की तरफ ये है। ठीक है, आ जाओ तो थोड़ा सा इसको देखते हैं। ओके गाइस, तो एक ब्लॉक बाहर कर दिया है, बाकी ये चिकन देखो भैया अपना मजे लूट रही है एकदम उसे माइन काट के। भैया यार इसको अभी जीने का मतलब इसका कोई मकसद नहीं रहा है, अभी इसको घूमने का मकसद जारी है, तो क्या करना है इसको उड़ा डालते हैं। आ जाओ, पहले तो ना यहाँ पे हम लोगों को रखनी पड़ेगी ये वाली पावर ड्रेन। अभी हम लोगों को यहाँ पे चाहिए होगा एक बटन, देखो हम लोग जो है वो बटन सिस्टम कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे अगर हम लोग बटन दबाएंगे अपनी माइंड कार्ट एकदम से फास्ट स्पीड पकड़ते हुए यहाँ से गोली मारती जाएगी, तो ठीक है मतलब गोली नहीं फायर नहीं करेगी, ठीक है ना। ये चिमकांडी वहाँ पे कैसे चला गया, ओके ठीक है, यहाँ पे मैंने ट्रैक जो है चेंज कर दिया। ओके तो अभी रुक जाओ, ये चिमकांडी को हटाते हैं और ये वाली माइंड कार्ट को हम लोग जो है वो पहले तो ना पहले रास्ता सेट कर लेते हैं। ओके रास्ता तो सेट ही लग रहा है, आ जाओ यहाँ पे, ओ यहाँ पे नहीं है, इसको जो है वो करते हैं सेट। ओके अभी अपनी माइंड कार्ट जो है वो चल गई है यहाँ पे। अभी क्या करना है हम लोगों को, सिंपल से यहाँ पे जो है वो ये वाला बटन प्लेस करना है, प्रेस करना है और ये चला जाएगा अपना बूम सीधा माइंड का मतलब माइंड शाफ्ट में, और ये वापस आ जाएगा, मतलब वापस क्यों आ गया ये, एक सेकंड रुक जाओ। यहाँ पे ना हम लोगों को जो है वो एक पावर ट्रेल लगानी पड़ेगी, यहाँ पे पावर नहीं मिल रहा है इसको। ओके अब नो प्रॉब्लम, अभी तो भैया ये गोली मारती हुई जाएगी, मतलब फुल रफ्तार में जाएगी। कहाँ गई चिमकांडी, एक सेकंड रुक जाओ, यहाँ पे ये रही, चल अभी जाएगी ये सीधा माइंड शाफ्ट में। अभी मैं भी निकल लेता हूँ सीधा माइंड शाफ्ट में, क्योंकि अगला काम वहीं पर ही है, वहाँ पे भी ऐसा कुछ बटन सिस्टम करना है, तो चलते हैं फटाक से माइंड शाफ्ट में। वहाँ पे ना हम लोगों ने सारे के सारे चिकन तो मार दिए हैं वैसे। ओके गाइस, तो यहाँ पे हम लोग को कुछ है वो लेग ज़्यादा हो रहा था, तो मैंने चिकन पहले से ही मार के रखा हुआ है, बाकी इसको जो है वो चेंज कर लेते हैं यहाँ पे पटरी को, और इसको जो है वो आगे धक्का दे देते हैं। अभी यहाँ पे जो है हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पे जो है वो रिप्लेस कर देनी है अपनी पावर रेल को नॉर्मल रेल से, सॉरी नॉर्मल रेल को पावर रेल से,
फटाक से पहले तो बटन ले लेते हैं, उसके अलावा यहाँ पे इसको हटाते हैं और ये वाले लगा देते हैं, और अभी यहाँ पे जो है एक बटन प्लेस कर देते हैं, यही है सिंपल सा। और इसके बाद हम लोगों को जो है वो यहाँ पे इजी रहेगा, अभी जो है वो धक्का लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे यहाँ पे जो है वो थोड़ा बहुत जुगाड़ और करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे जो है वो हमारा धक्का लग ही जाता है, तो मुझे जो है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करना पड़ेगा इसको, मतलब यहाँ पे कुछ सीन करना पड़ेगा ऐसा कि यहाँ पे हम लोग जो है वो इस माइन कार्ट को टच ना कर पाए, क्योंकि माइन कार्ट को टच कर देंगे तो फिर वो भग जाएगी, यही सीन रहता है। ठीक है आ जाओ, ये भी जो है वो कम्प्लीटेड हो चुका है अभी के लिए। अभी ये वाली माइन कार्ट को जैसे बटन दबाएंगे ये भग जाएगी। ओके गाइस, तो चलिए आज की ये वाली वीडियो के अंदर इतना ही। आई होप आपको ये वाली वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल पे पहली बार आओ जिस को सब्सक्राइब करके बेल की घंटी दबाओ। बाकी यार मैं यही कहता हुआ, मतलब थक गया हूँ, अब तक सब्सक्राइबर्स अपने पूरे नहीं हुए हैं, तो क्या कर रहे हो यार, सब्सक्राइब करो। और हाँ, आगे वाली वीडियो जो है वो अभी कुछ खास आ सकती है, क्योंकि अभी कुछ खास सीरीज़ बनाने का मेरा प्लान है, तो आगे वाली सीरीज़ जो है वो बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन अगली सीरीज़ आने वाली है, न्यू सीरीज़ आएगी। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए लव यू ऑल, गुड बाय।